नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल टोटल STIQ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं धारा 377 IPC की। फ्रेंड्स, अभी सुर्खियों में आया है ये, आपको मालूम होगा, तो इसी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो धारा है ये फ्रेंड्स बनाई गई थी 1860 में अंग्रेजों द्वारा, जब अंग्रेजों का राज था। तो ये एक अंग्रेजी कानून है फ्रेंड्स, और फ्रेंड ये अंग्रेजी कानून है और बाद में भी इसको अपनाया गया है। तो फ्रेंड ये इसका क्या संबंध है, क्या किसको बैन करता है? तो ये फ्रेंड जो अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी रहती हैं उनको बैन करता है। जैसे फ्रेंड यदि कोई मेल मेल के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करे, फीमेल फीमेल के साथ, तो ये अपराध माना जाता है, ठीक है? और जैसे कोई मेल किसी फीमेल के साथ एनल सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, किसी बच्चे बच्ची बच्चों के साथ, और फ्रेंड जानवर जंतु इनके साथ यदि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी पाई जाती है, तो उसको धारा 377 के अंतर्गत कुछ सजा वगैरह होती है और कुछ जुर्माना वगैरह लगाया जाता है। तो फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको इसका कुछ एक पार्ट है उसको, जैसे कि मेल का मेल के साथ, फीमेल का फीमेल के साथ जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको, मतलब जो अपराध था उसको अपराध की मतलब श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है? और फ्रेंड यदि इसके इतिहास के बारे में गौर करें, तो फिर 2009 के आसपास दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको जो क्रिमिनल एक्टिविटी से बाहर कर दिया गया था। आपको इसके ऊपर एक अलीगढ़ मूवी भी बनी है फ्रेंड्स, इसमें दिखाया गया है। और फ्रेंड लेकिन 4 साल बाद कि फिर इसके खिलाफ याचिका वगैरह डलती रही, तो फिर फ्रेंड जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसको मतलब निरस्त कर दिया कि नहीं, ये असंवैधानिक है। तो अभी चार पाँच जजों की पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने इस मतलब जो इसके खिलाफ इसके लिए सुनवाई की थी, तो ये फैसला फ्रेंड पहले ही आ गया था, लेकिन ये बाद में बताया गया है कल 6 तारीख को, परसों और कल परसों बताया गया है फ्रेंड्स। तो अभी देखते हैं इसके क्या। और फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के जो जजों ने काफी कमेंट किया है कि ये धारा मनमानी है और ये जो सेक्स का चुनाव वगैरह जीने की स्वतंत्रता, क्योंकि फ्रेंड इससे जो खास करके LGBT समुदाय है, LGBT का फ्रेंड फुल फॉर्म है L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, V फॉर बायोसेक्सुअल और T फॉर ट्रांसजेंडर, ठीक है? और इससे पहले फ्रेंड देख रहे होंगे कि ये फ्रेंड इसलिए लाया गया क्योंकि जो LGBT समुदाय है उसका शोषण होता रहता है, तो उसको मतलब दूर करने के लिए ये मतलब फैसला दिया गया है। और इससे पहले आप देखते होंगे कि देखा होगा कि LGBT समुदाय जो ट्रांसजेंडर को ये बोला गया है कि वो मतलब मेल या फीमेल का चुनाव भी कर सकता है अपने लिए, कि वो फेल मेल है या फीमेल है उसके ऊपर है। तो काफी कुछ फैसले दिए गए हैं, अब देखते हैं दोस्तों और आगे इसके क्या परिणाम आते हैं, ठीक है? दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।